नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। तिरुपति लड्डू विवाद थमता नहीं दिख रहा था। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के खुलासे के बाद से देश में मंदिरों के प्रसाद को लेकर अलग माहौल बन गया था। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मंदिरों के प्रसाद को लेकर जांच के आदेश दिए। मंदिरों के प्रसाद को लेकर एक अजीब सा माहौल बन गया था। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। सीएम चंद्रबाबू नायडू और पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने एक दूसरे पर तगड़ा वार पलटवार किया। इस मामले में बीजेपी ने जब पूर्व की जगनमोहन रेड्डी सरकार पर इस गंभीर आरोप को लेकर सवाल खड़े किए, तो जवाब में कांग्रेस भी बचाव में उतर आई और बीजेपी को उसी भाषा में तगड़ा जवाब दिया। इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेताओं में जबरदस्त वार पलटवार हुए। बढ़ते विवाद को देखकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू सरकार को फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे। साथ ही मुख्यमंत्री के मामले को इस तरह से सार्वजनिक करने पर भी सवाल खड़े किए, जिसके बाद कांग्रेस और पूर्व की जगन सरकार के नेताओं ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी पर जमकर हमला किया। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आंध्र प्रदेश सरकार की गठित की हुई एसआईटी टीम तिरुपति मंदिर के घी में मिलावट की जांच नहीं करेगी। मतलब साफ है कि शायद चंद्रबाबू नायडू की बनाई हुई इस टीम पर विश्वास नहीं है, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ये कहा कि जांच के आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं बनना चाहिए। इस विवाद को बढ़ता देख अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा दखल देते हुए मामले की जांच के लिए नई स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्य की यानी कि सीएम चंद्रबाबू नायडू की एसआईटी इस मामले की जांच नहीं करेगी। विपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या राज्य सरकार की एसआईटी काफी है या किसी और को नए सिरे से जांच करनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट को ये बताना था कि राज्य सरकार की एसआईटी इस मामले की जांच के लिए पर्याप्त है या कोई और एजेंसी जांच करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये सुझाव दिया कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए, इसीलिए अब नई एसआईटी सीबीआई की निगरानी में अपनी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के आदेश के साथ ही ये भी साफ किया कि राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब मामले की जांच नहीं करेगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा स्वतंत्र एसआईटी किसकी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इस नई एसआईटी में 5 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 सदस्य सीबीआई से होंगे, जिन्हें सीबीआई डायरेक्टर्स नॉमिनेट करेंगे। 2 सदस्य आंध्र प्रदेश पुलिस से होंगे, जिसका नामांकन सूबे के राज्यपाल करेंगे, जबकि टीम का 5वां सदस्य फूड सेफ्टी एवं मानक प्राधिकरण का कोई सीनियर ऑफिसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम अदालत को सियासी जंग का मैदान नहीं बनने दे सकते, हम इसमें आरोप प्रत्यारोप जैसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। यह आस्था से जुड़ा मुद्दा है जिसकी जांच स्वतंत्र एसआईटी करेगी। इससे पहले मामले पर अपना पक्ष रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि अगर एसआईटी में किसी अधिकारी को कोर्ट जोड़ता चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि कल फिर इसको लेकर बयान जारी किया गया। सिब्बल ने अनुरोध किया कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी के बजाय किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दे। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यदि मुख्यमंत्री ने बयान नहीं दिया होता तो ये अलग मामला होता। उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आदेश दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है क्योंकि तिरुपति प्रसाद से दुनिया भर के करोड़ों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं और इससे किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं तिरुपति लड्डू में मिलावट के मुद्दे की जांच के लिए सीबीआई, एपी पुलिस और FSSAI के अधिकारियों वाली एसआईटी गठित करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। सत्यमेव जयते, ओम नमो वेंकटेशाय। YSRCP ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लड्डू पर राजनीतिक टिप्पणी ना करें, ड्रामा ना बने। चंद्रबाबू और गठबंधन सरकार के नेताओं की सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना की थी। व्यापक जांच के लिए सीबीआई निदेशक की निगरानी में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि राज्य में पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति में लड्डू तैयार करने के जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। नायडू के इस बयान के बाद बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 3 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई। याचिका दाखिल करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी और इतिहासकार विक्रम संपत शामिल हैं। 30 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में
कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें। प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और प्रथम दृश्य ये पता चलता है कि अस्वीकृत घी का परीक्षण किया गया था। कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया था कि राज्य के अनुसार 25 सितंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मामले की जांच के लिए 26 सितंबर को एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। पीठ ने कहा था कि इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री द्वारा 18 सितंबर को एक बयान दिया गया था जो कि 25 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज किए जाने और 26 सितंबर को SIT गठित किए जाने से भी पहले दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर फॉर द इंडिपेंडेंट SIT कॉन्स्टिट्यूटेड बाई 2 फ्रॉम CBI, 2 फ्रॉम स्टेट पुलिस एंड 1 फ्रॉम फूड सेफ्टी अथॉरिटी एंड सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्पोज ऑफ द पिटीशन बाई कमेंटिंग दैट इफ देयर विल बी एनीथिंग यू कैन अगेन अप्रोच द कोर्ट व्हाइल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे और जुड़े रहे 4 PM के साथ। धन्यवाद।